गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग सर। चलो आ गया सब कोई, स्टार्ट करें। लास्ट हम लोग कहाँ तक किए थे? टू कंस्ट्रक्ट, टू फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। लास्ट कहां तक किए थे? सर 7 नंबर तक। टू फाइंड द सेंटर ऑफ आर्क। नेक्स्ट क्या है? टू कंस्ट्रक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ आर्क में कोई दिक्कत था? नहीं था ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। साइड का लेंथ हम लोग ले लेंगे 40 mm, ठीक। एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 40 mm का, ठीक है। उसके बाद स्केल में 40 mm का ही मार्क करके ए पे सेंटर रखिए, एक बार ऊपर की ओर कट करेंगे। आर्क किधर लेंगे हम लोग? 40 mm का आर्क लेकर, 40 mm का रेडियस लेकर हम लोग ए पे सेंटर रखिए, एक बार ऊपर की ओर कट करेंगे। नेक्स्ट सेम साइड्स यानी कि सेम रेडियस बी पे सेंटर रखे हम लोग, ऊपर की ओर कट करेंगे, ठीक है। जहां पे दोनों कट हो रहा है उसको नाम दे देंगे सी और उसको मिला देंगे ए के साथ और उसको मिला देंगे डी के साथ। ठीक है, ए के साथ और डी के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिक्कत है? नहीं है ना? आसान है? नो सर। यस सर। नेक्स्ट क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। टू कंस्ट्रक्ट एन स्क्वायर, ठीक है। इसका भी साइज 40 mm रहेगा, ठीक है। एक लाइन ले लेना है
40 mm का ए एंड बी, ठीक है, आइदर ए साइड में और बी साइड में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, कहीं से भी, या तो ए से बनाइए या तो फिर बी से बनाइए, कहीं से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। सपोज ए से हम बना लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने आ चुके हैं, वही से अभी आर्क लेके हम लोग एक रेडियस लेके हम लोग ये ड्रॉ कर देते हैं, कि जहां से स्टार्ट किए थे सेम आर्क, एक बार फर्स्ट कट फिर सेकेंड कट, जो फर्स्ट कट होता है ये कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, और ये सेकेंड वाला 120 डिग्री का होता है, ठीक है, उसके बाद सेम रेडियस लेके एक बार 60 वाले से ऊपर की ओर और 120 से ऊपर की ओर हम लोग कट करेंगे, जहां पे मिलता है वही हम लोग का क्या आता है 90 डिग्री, इसको ऊपर की ओर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब जो 40 mm का साइड था ए बी, ए पे सेंटर रख के एक बार हम लोग इस तरफ कट करेंगे 40 mm, जहां पे कट हुआ वो हो जाएगा हम लोग तो छोड़ देते हैं। सेम चीज बी से भी रखे एक बार इस तरफ कट कर लेते हैं, ठीक है, और इधर जहां पे कट हुआ था मेरा ए वाले परपेंडिकुलर लाइन पे, वहां पे सेंटर रख के इस तरफ कट करेंगे, ठीक है, जहां पे कट हुआ उसको हम लोग बी के साथ मिला देंगे और उसको इधर के साथ मिला देंगे, ए बी ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, ये ऑलरेडी इधर 90 हो गया तो ये भी क्या जाएगा 90 हो जाएगा, ऑल एंगल 90 हो जाएगा, हो गया नहीं स्क्वायर स्क्वायर, कोई दिक्कत है? नो सर, आसान है ना, एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बताइए। ठीक ठीक ए बी ले लिया हम लोग, कितना साइड्स का होगा 40 mm का साइड्स का, एक लाइन ड्रॉ किए ए बी, ए से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग बनाते हैं फर्स्ट कट, जितना का हम लोग किए आर्क लिए हैं उतना का ही इस सेंटर पे सेंटर रखे फर्स्ट कट और इधर सेकेंड कट, ए पे सेंटर रखे पर ऊपर की ओर, ए पे सेंटर रखे पर ऊपर की ओर, ठीक है, उसके बाद इस लाइन को ऊपर की ओर ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद इस पॉइंट से हम लोग 40 mm इधर कट करते हैं, इस समय से 40 mm इधर कट करते हैं, ये जहां पे कटा है यहां से 40 mm इधर कट कर देंगे, फिर इसको और इसको मिलाना है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ठीक है, आप समझ में आया? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, पेंटागन, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब है पेंटागन, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आता है वो यही आता है, इसको ध्यान से देखने का। साइड 40 mm ही है,
एक लाइन ड्रॉ किए ए एंड बी, ठीक है। ए बी को लाइन डिवाइडिंग किए, लाइन डिवाइडिंग कैसे करते हैं, मिड से हाफ लेके एक बार ऊपर की ओर एक बार नीचे की ओर, सेम एक बार इधर से इधर, इधर से इधर, यहीं पे भी कट होगा, ये हो जाएगा सी। लाइन डिवाइडिंग है ना, सिंपल जैसा तरीका हम लोग करते थे, ठीक है। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 40 एमएम साइड के लिए होगा, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि 40 एमएम साइड का ही होगा। इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, सपोज डी क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मींस कि 90 डिग्री फ्रॉम बी, कितना एमएम का, 40 एमएम का है, कितना एमएम का साइड से, कितना, जो समझ में आया किसी को, कोई डाउट? नो सर। सर एबी एक लाइन ड्रॉ की है, एबी को लाइन डिवाइडिंग किए जो कि सी पे कट कर रहा है, ठीक है। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ऊपर की ओर जो कि एबी के बराबर है, दैट मींस कि 40 एमएम के बराबर है, ठीक है। अब सी पे सेंटर रख के, सी पे सेंटर रख के सी एंड डी रेडियस है ना, रेडियस क्या होगा, सी एंड डी, और एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम लोग किस ओर, नीचे की ओर, जो कि ए और बी के एक्सटेंडेड लाइन ई पे कट करेगा, यहां पे भी कट करेगा, उसका नाम दे देंगे हम लोग ई, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले ए बी एक लाइन लिए, उसको लाइन डिवाइडिंग किए जो कि सी पे कट हुआ, ठीक है। बी पॉइंट से 90 डिग्री लिए परपेंडिकुलर जो डी ए बी के बराबर है। नेक्स्ट क्या किए हम लोग, सी पे सेंटर रखकर सी एंड डी रेडियस लेके, क्या रेडियस लेके, सी एंड डी रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ कर रहा है जो कि एबी के एक्सटेंडेड लाइन ई पे कट कर रहा है। इतना तो क्लियर है, जी सर। यस सर, यस सर। ई तक ही खींच रहा है ना, ऊपर वाला लाइन ई तक ही करना है कि उससे पार कर देना सर, जो आर्क खींचेंगे, पार कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे तो एक लाइन पे कट कर रहे हैं ना, एक्सटेंडेड लाइन, एबी की एक्सटेंडेड लाइन पे कट कर रहे हैं, इसको पार कर दो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे मार्क कर देना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए ई इज द डायगोनल ऑफ पेंटागन, यही क्या है, डायगोनल ऑफ पेंटागन, बस समझ रहे हो ना, यही अब हम लोग को क्या निकल गया, डायगोनल मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, है ना। दैट मींस कि हम लोग ए और बी को मेजर कर लेंगे, ए और बी को मेजर कर लेंगे, डायगोनल क्या होता है पहले पता है तुम लोग को, डायगोनल पता है कि नहीं, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये पेंटागन है, ठीक है, तो डायगोनल क्या आता है, इसको बोलते हैं डायगोनल, बताओ सर। उसमें एसी में एक लाइन आएगा जो डायगोनल है, एसी हिंदी में जिसको विकर्ण बोलते हैं सर। यस यस, वो ठीक है, जैसे कि ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटरनल एंगल कितना आता है, 60 डिग्री,
पेंटागन स्क्वायर का कितना होता है 90 डिग्री, वैसे ही पेंटागन का कितना होता है 108 डिग्री, है ना। हेक्सागन का कितना होता है 120 डिग्री, है ना। तो आप बताओ जो ये है स्क्वायर है इसमें डायगोनल किसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा डायगोनल? इसमें दो को डायगोनल है सर, एक एसी एक बीडी। एसी और बीडी है ना। वैसे ही रेक्टेंगल में कौन सा आ जाएगा बीडी एंड एसी, उसी तरह पेंटागन में कौन सा हो जाएगा एसी एबी बीई, है ना, इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या मिल गया, एसी मिल गया और एई मिल गया। अब यहाँ के अकॉर्डिंग सी तो कहीं पर दिया हुआ है, दैट मींस कि हम लोग को ये वाला चीज मिल गया। अब ये वाला चीज मिल गया तो इसको हम लोग यहाँ से कट करके बी पॉइंट से जितना साइड से वहां पर कट कर देंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमको, मिलेगा कि नहीं? यस सर, है ना। That means कि हम लोग का एक साइड तो ऑलरेडी मिला हुआ है पहले से पेंटागन का, ये वाले साइड्स हम लोग को अब और दो साइड्स मिल गया, एक इधर से डायगोनल और एक इधर से डायगोनल, यानी कि एक दो तीन को साइड्स मिल गया, चौथा और पांचवा साइड्स हमको खोजना था, पेंटागन मेरा बन जाएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्लियर है सबका? यस सर, ठीक है। अब ए इज द डायगोनल, दैट मींस कि हम लोग ए से हम लोग इसको मेजर करेंगे, जितना भी होगा वो मेरा आर्क हो जाएगा या फिर वो रेडियस हो जाएगा, और ए पे सेंटर रख के एक बार हम लोग इस तरह कट करेंगे, और सेम चीज बी पे रख के हम लोग इस तरह कट करेंगे, है ना, डायगोनल। उसके बाद जितने का साइड्स है, है ना, यानी कि 40 का साइड्स है तो ए पे रख के एक बार इस तरफ कट किए और बी पे रख के एक बार इस तरफ कट किए और ये दोनों को मिला देंगे, तो हम लोग कितना साइड्स मिल गया, तीन साइड्स मिल गया, एक ये साइड्स, एक ये साइड्स और एक ये साइड्स, थ्री साइड्स मिल गया पेंटागन का। अब दो साइड्स है तो ये दो मिल गया है हम लोग को यहां से, है ना। तो जितने का साइड 14 का है तो 14 का आर्क लेके एक बार यहाँ पे कट करके हम लोग इस तरफ कट करेंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पे सेंटर करके इस तरफ कट करेंगे, यहाँ पे भी कट होगा और दोनों को इसे मिला देंगे। अब ए बी, बी हो गया ई हो गया एफ जी एच हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 108 डिग्री बन जाएगा सारे एंगल। सर एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए ना, मेरा नेटवर्क ही चला गया था, ये जो नेटवर्क चला जाता है उसमें एच एफ एंड जी हर कोई तो नेटवर्क चला जाता है, एकदम हर लोग बनाते रहते हैं, थोड़ा सा प्लीज सर। हेलो, हेलो सर, वही सर पॉलीगन है उसके इंटरनल एंगल हम लोग जानने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, ठीक है,
वो फॉर्मूला है n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। इस फॉर्मूला को याद रख लेना, तो कोई सारे पॉलीगन है उसका इंटरनल एंगल तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लाइक है हेक्सागन, है ना, हेक्सागन में कितना, वेयर n इज द साइड, है ना, n क्या है, साइड है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, तो लाइक हेक्सागन है। n माइनस टू के बाद क्या लिखेंगे, n माइनस टू इनटू 180 डिग्री है बाबू, डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 हो जाएगा, 4 को 980 डिवाइडेड बाय 6 किया जो के 12, कितना डिग्री बोला था हम यहाँ पे, 120 डिग्री बोला था, फॉर्मूला को याद रखना, कोई सभी पॉलीगन का एंगल निकालने के लिए इंटरनल एंगल निकालना हो, अभी तो हम लोग हेक्सागन है, उसके बाद बहुत सारा आया है ना, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, सब चीज का तुम लोग निकाल सकते हो इंटरनल एंगल कितना होगा उसका, ठीक है, थ्रू दिस फॉर्मूला। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको, यस सर। मुझे पता है ये इम्पोर्टेंट है, तो तुम लोग नहीं बोलता फिर भी हम दो बार बताते हैं, ओके, जो इसका नहीं आया था आवाज, जो भी क्लियर नहीं था, और फिर से देखिए। ये भी एक लाइन है, जितने का साइड है हम लोग का पेंटागन का, जितने का भी साइड होगा उतना का हम लोग एक साइड ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको लाइन डिवाइडिंग कर लेंगे, लाइन डिवाइडिंग इसकी मिड पॉइंट पे इसका मिलेगा C, है ना, B पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बराबर साइड्स के बराबर परपेंडिकुलर लाइन, ना 90 डिग्री, अगर यहां से हम लोग ये खींचते हैं तो ये उसी पॉइंट पर लंबी है, ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग D, ठीक है। C पे सेंटर रखकर C एंड D रेडियस, C and D radius, C पे सेंटर रख के C and D radius लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि AB की एक्सटेंडेड लाइन E पे कट कर रहा है ना, AB की एक्सटेंडेड लाइन E पे कट करेगा, और जो A और E होगा, A E मेरा क्या होगा, इज द डायगोनल, डायगोनल ऑफ दिस पेंटागन, है ना। अब जब डायगोनल मिल गया ए ई, तो ए पे सेंटर रख के एक बार इधर कट किए, और बी पे सेंटर रख के एक बार इधर कट किए, ये मेरा क्या था, डायगोनल था, ठीक है। उसके बाद जितने का साइड्स था, है ना, 40 mm का साइड्स था, तो ए पे रख के इधर का जो डिस्टेंस होगा वो 40 mm होगा, और बी पे सेंटर रख के इस पे 40 mm होगा, अब ये दोनों को मिला देंगे, और यहाँ पे हम लोग देख के हम लोग इधर 40 mm कट करेंगे, और यहाँ पर रखे हम लोग इधर 40 mm कट करेंगे, फिर इसको मिला देंगे, इसके बाद जो भी नाम हो रहा है नेमिंग कर देंगे, ए बी पी क्यू आर, ये ऑटोमेटिकली कितना डिग्री का बन जाएगा, 108 डिग्री। सर सब जैसे सी से रख के 40 डिग्री पे काटे, तो ए पर रख के भी 40 डिग्री से काटे कि ई के वहां तक, डिग्री नहीं बाबू, साइड साइड है वो, रेडियस, ओ हां सर, हां रेडियस जैसे 40 लेके काट रहे सी से,
कोई सा भी गन और बी से रख के कितना में काटेंगे सर? कोई सा भी गन बनता है ना, तो सारे साइड्स इक्वल होता है बाबू। हां तो 141 तो ऑलरेडी अब जस्ट ये 40 होगा वो भी। ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40। ठीक है सर, क्लियर। सबसे आसान है हेक्सागन। हाँ, अगर साइड मेरा 40 mm है तो 40 mm का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जितने का साइड्स दिया हुआ रहेगा उतने का हम लोग क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, क्लियरली नहीं आ रहा है इसमें। तो हेक्सागन में क्या है, जितने का मेरा साइड्स रहेगा उतना का आपको क्या लेना है, एक सर्कल ले लेना है। और कहीं पे भी, कहीं पे भी आइए आइए सनी सर, कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। कुछ काम करना है तो कर सकते हैं। नहीं सर, काम नहीं, बस ऐसे। ठीक है, तो जितने का साइड्स है आप उतना का साइड्स लेके कहीं से भी आप स्टार्ट करिए। लाइक ठीक है, फर्स्ट कट किया हम लोग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ये कटेगा, उसके बाद आप इसको कहीं से भी बना लो। ये बनेगा क्या, हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। इसका साइज कितना, कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री एवरी साइज। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? सबसे आसान पेंटागन से आसान है। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, रेगुलर पॉलीगन। एक मेथड्स में अभी जितना बनाए हम लोग, ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल से लेकर स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, मोनागन, जितना टाइप का गन है सारे सिर्फ एक मेथड्स में हम लोग बना सकते हैं। अगर कभी कोई भी ये सारे मेथड्स भूल जाते हैं तो आप उस मेथड से सारे एक ही मेथड्स में आप बना सकते हो। ओके, उसको ध्यान से देखो थोड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हेक्सागन में।
अगर कोई मेथड्स भूल जाते हैं किसी का, जैसे लाइक पेंटागन बनाने का, हेक्सागन बनाने का, तो आप इस मेथड से आप सारा चीज बना सकते हैं सिर्फ एक ही प्रोसेस से। ओके, इसको देखो ध्यान से, जितने का साइड्स रहेगा सबसे पहले उतने का क्या करना है, हम लोग को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है ए बी। ओके, देन लाइन डिवाइडिंग करना है इसको, मैं बार बार प्रोसेस करके नहीं दिखा रहा हूँ लाइन डिवाइडिंग का, क्योंकि तुम लोग को हम बार बार बता चुके हैं लाइन डिवाइडिंग करना है। अब वो यहाँ पे कटेगा सी पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जैसा तुम लोग को पेंटागन का टाइम बताया, वो कहाँ पे जाकर कटेगा, डी पे। क्लियर है? अब बी पे सेंटर रखकर उससे पहले क्या करो, ए और डी को मिला दो, इसका डायगोनल ए और डी को हम क्या मिला दिए। अब बी के सेंटर रख के बी और ए रेडियस ले लो, या फिर बी और डी रेडियस ले लो, क्योंकि ये दोनों हम लोग का सेम है। तो बी पे सेंटर रख के बी और ए एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, उधर से खींचो या इधर से खींचो, पतवा एक ही है ना वो। अब जो हम लोग का लाइन डिवाइडिंग किए थे सी, इसको कर दो ऊपर, ठीक है, और इसको नेमिंग कर दो फोर, और इसको नेमिंग कर दो सिक्स। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, जो डायगोनल था ए एंड बी का उसको हम लोग कर दिए फोर, और जो रेडियस लिए हैं उसको कर दिए हम लोग सिक्स, ठीक है। अब क्या है सिक्स, अब यहां पे एक लाइन लाइन बन गया, इस नेमिंग में बहुत गुण छिपा हुआ है, गुण छिपा हुआ है, ठीक है। तो नेमिंग ऐसे ही करने का जैसा मैं करता हूं, फोर एंड सिक्स, ठीक है। अब फोर और सिक्स को क्या करना है, लाइन डिवाइडिंग करना है, लाइन डिवाइडिंग करने मिड पॉइंट में कहीं पे मिलेगा, इसका नेमिंग कर देंगे फाइव, ठीक है। फोर और सिक्स के बराबर अगर सिक्स का हम ऊपर कट करेंगे कहीं पे, उसका नेमिंग कर देंगे एट। फाइव से अगर वही चाप काटेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेवन, उसके ऊपर करेंगे तो ये टेन, उसके यहाँ पे करेंगे ये नाइन, है ना। अब आपको जो चाहिए है ना, इसे स्क्वायर चलेंगे तो स्क्वायर का साइड कितना आता है बाबू, चार। तो चार पे सेंटर रखकर, चार पे सेंटर रखकर फोर इन ए रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहां पे क्या कटा हुआ है, एक ये कटा हुआ है और एक ये कटा हुआ है, दो साइड्स ऑलरेडी बना हुआ है स्क्वायर। अब बी पे सेंटर रख के जितने का एमएम का साइड्स है उतने में यहां पर करते हैं और इसको मिलाना, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर। अगर आपको हेक्सागन चाहिए, हेक्सागन का साइड्स कितना होता है सिक्स, तो सिक्स पे सेंटर रख के सिक्स एन ए रेडियस करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि कहां से पास होगा, ए ए और बी से ही पास होगा, है ना, ए और बी से ही पास होगा। सी पे सेंटर रख के हम लोग सिक्स और ए सेंटर लिए थे, तो सी और बी से तो ऑलरेडी पास होगा ही, बाकी और बी से पास होगा ही। और अगर हेक्सागन है तो ये फाइव प्राइम ही कटेगा, ए बी पहला कट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा हेक्सागन। उसके बाद तुमको जितना गन चाहिए, ऑक्टागन चाहिए, नोनागन चाहिए, डेकागन चाहिए, जो भी चाहिए तुमको, आप वहां पे सेंटर रखकर वो टेन और ए पे रेडियस देते हुए सर्कल ड्रॉ कर दो, वो उतना ही बराबर भागों में उसको बांट के निकाल देगा, ठीक है। यस सर, सर ये थोड़ा और आसान का है सर सब चीज, हाँ एक में ही हमको सारे चीज मिल जाएगा, बट इसका हर जगह यूज नहीं कर सकते हो आप। हाँ आप तब कर सकते हो, आप बना रहे हैं, सपोज एग्जाम में आया हुआ है कि पेंटागन आप सिंगल मेथड्स में बनाइए, जब तक रेगुलर प्रोग्राम में नहीं बनाने बोल रहा है तब तक आप इस मेथड्स में नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर मार्क्स थोड़ा बहुत उठाना है, लाइक
भूल गए, जिस प्रोसेस में बोला वो प्रोसेस भूल गए, लेकिन आपको ये प्रोसेस पता है, एटलीस्ट बना तो देंगे, 50% मार्क्स, 70% मार्क्स तो मिलेगा हमको, है ना। तो अभी बीच बीच इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग इसमें पेंटागन भी बना रहे हैं, हम लोग स्क्वायर भी बना रहे हैं, हेक्सागन भी बना रहे हैं, ऑक्टागन भी बना रहे हैं, उसमें जितने का चाहिए आपको, पेंटागन चाहिए तो 5 और ए रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हेक्सागन चाहिए 6 और ए लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना। ऑक्टागन चाहिए 8 से लेके करेंगे, पेंटागन चाहिए 9 से लेके करेंगे। आपको जितना का साइड रूलर चाहिए तुमको, उतना का बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, टाइम कितना बचा है हम लोग के पास, 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। भाई तो फॉर्मूला को हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई सर्कल ऐसे दिया हुआ है भाई, अननोन सर्कल है जिसका रेडियस नहीं पता है हमको, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर इसका रेडियस दिया हुआ है r = 40, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ना, सर्कमफेरेंस 2πr करके निकाल सकते हैं ना। यस सर, फॉर्मूला से नहीं निकलना है आपको, किससे निकलना है, बाय द मेथड ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट सर्कल अप्रोक्सीमेट निकलता है, ठीक है। आप फॉर्मूला से भी निकाल के देखना, उसको मेजर करके भी देखना, वो करीब करीब उसके बराबर आएगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना। तो सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ए एंड बी, इसका सेंटर कहीं पर होगा ना, इसके जो डायगोनल है जो नीचे वाला ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किए और इसको इसके डायगोनल के बराबर, डायमीटर के बराबर 3 times कट्स कट करते हैं हम लोग, ए बी के बराबर हम लोग फर्स्ट कट, सेकेंड कट, ये इसके बराबर डायगोनल के बराबर 3 times, ठीक है। सपोज अपन ये ओ है हम लोग का सेंटर, अब सेंटर से इस साइड में मतलब एबी की ओर 30 degree का एक एंगल ड्रॉ करेंगे, कहां तक, जहां तक मेरा सर्कमफेरेंस है इस सर्कल, कितना डिग्री का है ये, 30 degree, ठीक है। जहां पे सेंटर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वहां पे टच हुआ, वहां से ए और बी की ओर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। किससे परपेंडिकुलर, ए बी से, दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका नाम देते हैं 1, 2, 3, इसका नेमिंग कर रहे हैं सी एंड डी, ठीक है, ये 90 degree है ना। कहां पे हम लोग, जहां पे सर्कमफेरेंस सी था वहां से हम लोग एबी की ओर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जिसका नाम दिया डी। अब बी और थ्री को मिला देंगे हम लोग, थ्री कहां है देखो लास्ट में है ना, वहां पे बी और थ्री को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। एंड डी थ्री इज द approximate circumference of this circle, ठीक है। इसको मेजर करोगे और फॉर्मूला से निकाल के देखना, करीब करीब सेम आए डी एंड थ्री, ठीक है। ये है मेरा किसी भी सर्कमफ्रेंस का बाय द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और